डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 18 एंड सो ऑन इज 78। इसमें पूछा गया कि जो एपी है उसका कौन सा टर्म 78 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं टर्म्स की। a इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 8, a3 इक्वल टू 13, a4 इक्वल टू 18। हमें टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है एपी का, और यहाँ हम फाइंड करते हैं d इक्वल टू ए टू माइनस ए। ए टू में से a को सेपरेट करना होता है, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करना होता है। ए टू की वैल्यू है 8, माइनस a की वैल्यू है 3। 8 में से 3 को सेपरेट करा, हमें मिला 5। d इक्वल टू हो गया 5। हमें a n गिवन है, a n हमें यहाँ पर दे रखा है 78। हमें n फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। n इक्वल टू हमें ये फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम ए पी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। अब हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। ए एन हमें दे रखा है 78। 78 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एन। ए सी टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, माइनस वन, और ये डी की वैल्यू है हमने अभी फाइंड करा 5। 78 ए सी टी हम लिख लेते हैं। 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 5 को हम दोनों से n से और 1 से दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। n को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5n हुआ, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 आ गया। अब 78 में से हम 3 को सेपरेट करेंगे तो 75 हो गया इक्वल टू 5n माइनस 5। 75 ऐसी थी हमने लिख लिया। अब ये माइनस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस का है प्लस में हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 5n। 75 में हम प्लस कर लेंगे 5 को जो होगा 80 इक्वल टू 5n। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हम निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए हम 80 ऐसी थी हम लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं हम n। n की वैल्यू हमें निकालना है, n के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम यहाँ पर डिवाइड में लेकर आएंगे, 5 डिवाइड में आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 16 टाइम में ये कैंसिल हो रहा है, n इक्वल टू हो गया 16, और ये इसकी टर्म्स होगी। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं हैंड 78 इज 16 टर्म ऑफ ए पी। Thank you very much for watching.